नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आज हम उस खजाने के बारे में बात करेंगे जिसके कारण यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है। आखिर पांचवी इकोनॉमी बनने के बावजूद हम किसी मामले में 135वें स्थान पर मौजूद हैं। क्या इसी कारण हमें वीटो पावर नहीं दिया जा रहा है? आज तक आप सभी ने सुना होगा कि चीन के कारण हमें वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस खजाने के बारे में ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते। जिस दिन भारत को एक खजाना मिलेगा उस दिन यूनाइटेड नेशंस वीटो पावर प्लेट में लेकर दौड़ते हुए भारत को देने आएगा और तब चीन भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों हम सब पिछले कई सालों से वीटो पावर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान पढ़ा तो मेरा दिल टूट गया। भारत की इकोनॉमिक रफ्तार और यूएन में वर्चस्व को देखकर हमें तो ऐसा लग रहा था कि मानो अगले कुछ महीनों में ही हमें वीटो पावर मिल जाएगा, लेकिन जब खुद विदेश मंत्री कह रहे हों कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलेगा लेकिन अभी भारत को इंतजार करना पड़ेगा और मेहनत करने होंगे, तो इस बात में दम है। हमने जब इस विषय में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि आखिर वो कौन सा ऐसा खजाना है जिसके कारण भारत को अब तक वीटो पावर नहीं मिल पाया, तो मैं पूरी तरह हैरान रह गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि खजाना भारत में पहले से ही मौजूद है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। इस खजाने के अलावा परमानेंट सीट पाने के लिए भारत के पास लगभग सब कुछ मौजूद है जिसकी चर्चा हम पहले भी कई मौकों पर कर चुके हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर भारत को एक खजाना मिल जाए तो आप सभी वीटो पावर को भी भूल जाएंगे। जैसे ही भारत को एक खजाना मिलेगा तो वीटो पावर छोड़ो, चीन जैसा ग्लोबल पावर भी भारत के सामने घुटने टेक देगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को वो खजाना मिलेगा कैसे, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। उस खजाने के बारे में विस्तार से जानने से पहले आप जरा खुद सोचिए कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। आखिर भारत को डेवलप्ड नेशन बनने में इतना लंबा समय क्यों लगेगा? इस बात को जरा ध्यान से सोच कर देखिए कि अगर हमारा भारत 2030-35 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है तो फिर डेवलप्ड नेशन बनने में 2047 तक का समय क्यों लगेगा? आखिर क्यों मोदी जी आज से 23 साल बाद का सपना देख रहे हैं? 2047 तक पीएम मोदी 96 साल के हो जाएंगे, तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी। आखिर हमारे प्रधानमंत्री उससे पहले ही भारत को डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं बना रहे? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उस खजाने की है जिसकी चर्चा हम वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे। आज भारत के पास दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी जीडीपी मौजूद है, लेकिन हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में 135वें स्थान पर मौजूद हैं। जीडीपी पर कैपिटा इनकम ही वो खजाना है जिसके दम पर हमें यूएनएससी में न केवल वीटो पावर मिलेगा बल्कि हम एक डेवलप्ड नेशन भी बन जाएंगे। ये खजाना भारत के पास पहले से मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है। ये हमारे देशवासियों के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी भी है कि कैसे इस खजाने को भारत लाया जाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर सारा धन मुट्ठी भर लोगों यानी कि लगभग 4-5 लोगों के हाथ में ही बंद है। वे अपने इशारे पर बॉलीवुड के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी नचाते हैं। बाकी के 95% लोग बेहद कमजोर स्थिति में हैं। अगर ये देश 100 लोगों से बना है तो फिर बचे हुए 95 लोगों को भी मजबूत बनना होगा, तभी आपका देश सही मायने में डेवलप्ड नेशन बन पाएगा और तभी जाकर आपको वीटो पावर भी मिलेगा। आप स्क्रीन पर कुछ देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखिए। वैसे तो हमारा भारत यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और अगले कुछ सालों में हम जापान जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में हम यूके से काफ़ी पीछे हैं और इसी कारण हमें डेवलप्ड नेशन बनने में 2047 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में अभी हम पाकिस्तान के आसपास ही हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कंगाली की हालत से गुजर रहा है। ऐसे में अगर हमारी उससे तुलना होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप हमारे देश के अंदर ही देखें तो जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु से आगे निकल चुका है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा के मामले में तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से काफ़ी आगे है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग पाकिस्तान के बराबर है, जबकि वहीं तमिलनाडु की जीडीपी पर कैपिटा इनकम भारत के नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देशों को भी डेवलप्ड नेशन माना जाता है। पूरे एशिया में सही मायने में केवल जापान को ही डेवलप्ड कंट्री माना जा सकता है। एशिया में अगर आप चीन को देखेंगे तो वो भी जापान से काफ़ी पीछे है।
हालांकि मिडल ईस्ट के देश जैसे कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इस मामले में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो अपने जीडीपी पर कैपिटा इनकम को 135वें स्थान से उठाकर 10वें स्थान तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें वर्तमान के $2400 से आगे बढ़ते हुए $66,000 के आसपास पहुंचना होगा। हालांकि टॉप 10 में पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी भारत के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर भारत भी इक्वालिटी पर फोकस करना चाहे तो हम इस आंकड़े को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देश में बड़े रिफॉर्म लाने होंगे और देश को रतन टाटा जैसे विजनरी लीडरशिप की जरूरत है जो देश के लिए अपने साम्राज्य का इस्तेमाल करें। हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना भी है, लेकिन क्वालिटी पॉपुलेशन की कमी है। उनके पास शिक्षा और हेल्थ केयर की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। यही कारण है कि अफ्रीका में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके पास UNSC में एक भी परमानेंट सीट नहीं है, जबकि वहीं दूसरी तरफ ये छोटा सा यूरोप 2 परमानेंट सीट लेकर बैठा है और अब इसमें जर्मनी भी एंट्री मारने को तैयार है। भारत को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो युवाओं को नई दिशा दे सके। भारत के पास यंग डेमोग्राफी मौजूद है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए तैयार है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और अब हाई लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगी ताकि भारत चीन को उखाड़कर ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर बने और अपने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सके। इसके अलावा भी भारत के पास कई सारे फायदे हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लो GDP पर कैपिटा इनकम के कारण भारत को ये तमाम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर देश में सोशल इक्वालिटी लानी है, गरीबी खत्म करनी है, हेल्थ केयर और एजुकेशन को बेहतर करना है, तो फिर इसके लिए हमें GDP पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। हालांकि भारत इनमें से कई मामलों में काफ़ी अच्छा कर रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत GDP पर कैपिटा खजाने के मामले में टॉप 10 में शामिल हो जाए, तो आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।